धरती में हमारा जन्म हुआ है, इस धरती पे ही हम लोग मरेंगे, फिर आप कौन होते हैं पूछने वाले? लोगों ने इनको चुन के नहीं दिया। ईवीएम के कुर्सी पे जो बैठे हैं हमारे सर पे, तो इस लोकसभा के इलेक्शन में पहले हमको ईवीएम को हटाना होगा। हमको पूछ रहे हैं कि आप कहां से आए, हम लोग तो यही पैदा हुए हैं, आप कहां से आए? वही करना पड़ेगा अभी जो ईवीएम के बटन दबाने से आए। अभी 5 राज्यों में तुम्हारी सरकार भूल हो गई, नहीं करने देंगे किसी को भी। महाराष्ट्र के 12-13 करोड़ लोगों को अगर आप पूछने जाओगे कि कागज दिखाओ, तो हम लोग आपकी जगह दिखा देंगे, इतना दम है। ये यूपी का कौन योगी है? योगी आदित्यनाथ, चीलम बाबा है, चीलम बाबा, चीलम बाबा। तो योगी को बोलना पहले यूपी में देखो क्या चल रहा है। मोदी जी और शाह को सिर्फ मुंबई में आने दो, संघर्ष का प्रतीक जिनको माना जाता है वो विद्याताई चौहान जी से विनती करता हूं कि वो आकर अपनी बात रखें। विद्याताई चौहान जी के लिए जोरदार तालियां हम बजाएंगे। पूछने वाले तो यही बात करनी है, क्योंकि ये जिस कुर्सी पे बैठे हैं ना, अभी मेरे पहले जो भाई साहब बोले कि ये कुर्सी पे बैठे हैं, ये ईवीएम के कुर्सी पे बैठे, लोगों ने इनको चुन के नहीं दिया। ईवीएम के कुर्सी पे जो बैठे हैं हमारे सर पे, तो इस लोकसभा के इलेक्शन में पहले हमको ईवीएम को हटाना होगा, नहीं तो ये कभी नहीं हटेंगे। ये जुल्म करने के लिए बैठे हैं। आज ये एनआरसी सीएए कायदा लाना चाहते हैं। हमको पूछ रहे हैं कि आप कहां से आए, हम लोग तो यही पैदा हुए हैं, आप कहां से आए? भाई आप कहां से आए? महात्मा गांधी जी को जो हेगड़े हैं वो बोला कि स्वतंत्रता आंदोलन एक ड्रामा था, तुम लोग का ड्रामा अंग्रेजों के साथ चल रहा था तब से, और तुम पूछ रहे हो हमसे कि तुम कहां से आए। ये आरएसएस वालों को हम लोग बताना चाहते हैं। आज तुम लोग मुस्लिमों को बोलो कि यहां तुम्हारा कागज दिखाओ, तुम नागरिक नहीं है। कल दलितों को बोलेंगे आप यहां के नागरिक नहीं है। परसों आदिवासियों को बोलेंगे आप इस देश के नागरिक नहीं है। फिर मागा स्वर्गियों को पूछेंगे आप इस देश के नागरिक नहीं है। तो क्या सिर्फ आरएसएस वाले नागरिक हैं? 5 लोग बैठेंगे नागरिक। तो इनको पहले तो इनको कान खोल के कान पकड़ पे सुनाना होगा कि ये सुन लो, हम सब लोग भारतवासी हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हमें अपनी नागरिकता सिद्ध करने का आपको पूछने का कोई अधिकार नहीं। बिठाया है तो वहां बैठो, नहीं तो कुर्सी खींच लेंगे। वही करना पड़ेगा अभी जो ईवीएम के बटन दबाने से आए। अभी 5 राज्यों में तुम्हारी सरकार भूल हो गई। अभी ये राज्यों में महाराष्ट्र में कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना
और हम लोग ये कायदा यहाँ पर नहीं करने देंगे, किसी को भी मारा सके। बाला 13 करोड़ लोगों को अगर आप पूछने जाओगे कि कागज दिखाओ तो हम लोग आपकी जगह दिखा देंगे, इतना दम है, इतना दम है हम लोगों में कि हम लोग भारत के लोग हैं, हम आपको अपनी जगह दिखा देंगे। तो मोदी और शाह जरा होश में आओ, ये होश तुम्हारे उड़ जाएंगे। तुम्हारा अगर दिमाग ठिकाने होता तो बेरोजगारों के लिए कुछ करते, तुम्हारा दिमाग अगर ठिकाना होता तो हमारे माँ बहनों पे इतने अत्याचार हो रहे उसके खिलाफ करते, लेकिन तुम लोग नहीं करोगे कि तुम्हारे ही लोग महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते। ये यूपी का कौन योगी है, योगी आदित्यनाथ, बाबा है चिलम बाबा, चिलम बाबा। तो योगी को बोलना पहले यूपी में देखो क्या चल रहा है। तो ये लोग जो है बहुत बदमाश लोग हैं और ये बदमाशों का पर्दाफाश करना पड़ेगा, और वो महाराष्ट्र में हम लोग करते रहेंगे। और मैं कहती हूँ कि हम सब लोग ऐसे मजबूत बनेंगे, ऐसे मजबूत बनेंगे, एक दिन पूरा 13 करोड़ का महाराष्ट्र आ जाएगा। मोदी जी और शाह को सिर्फ मुंबई में आने दो, आ जाओ एक बार, दिखाएंगे हमारी ताकत क्या है। तो ये ऐसे नहीं, लातों के बूंद बातों से नहीं मानते, ये देखो पुलिस बंदोबस्त में मत बैठो, सिक्योरिटी में बैठेंगे और हम लोग को बोलेंगे इधर नहीं आने का, उधर नहीं आने का, इधर नहीं आने का। तो नहीं, औरतों से क्यों डरते हो? मोदी शाह अगर आप सच्चे मर्द है तो औरतों से मत डरो, हम लोग औरतें आती है खाली आपको, आपकी जगह दिखा देंगे। इस भारत देश में अगर आपको रहना है मोदी और शाह को, तो ये ऐसे आलतू फालतू कानून की सख्ती मत करो लोगों पर। वैसे ही लोग परेशान हैं, 5 साल 6 सालों से नोटबंदी कर दी, शाह ने नोट छाप लिए, इलेक्शन में बांट दिए, वोट खरीद लिए। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। हम लोग इनको बताना चाहते हैं कि आपको अगर सत्ता में बैठना है तो शांति से बैठिए। इस देश में ये शांतता प्रिय देश है, इस भारत में हजारों भाषाओं के और अनेक धर्म के लोग रहते हैं, भाई बहने रहते हैं, भाईचारा है इस देश में। अगर इसकी शांति भंग करने की कोशिश की तो हम लोग आपको आपकी जगह दिखा देंगे। शरद पवार साहब ने दिखा दी इनकी जगह, एक शरद पवार ही काफी है आपके लिए। और इनकी जगह दिखाना है तो हम सब लोग साथ में आएंगे। यहाँ पर अबू भाई बैठे हैं, अबू भाई के हाथ हम लोग मजबूत करेंगे, और ये किया ही है आप लोगों ने, उनको चुन के दिया है, उनके हाथ मजबूती है। लेकिन अगर हम सब लोग एक साथ आ जाएंगे तो ये आरएसएस वालों को उनकी जगह दिखा देंगे, पूरा देश घेर लेगा इनको, तो इनकी सिक्योरिटी कोई काम नहीं आने वाली है। तो इसीलिए हम सब लोग अपनी ताकत एक साथ जुड़ जाएंगे। जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान है, उस संविधान को अगर कुचलने की कोशिश की तो आप लोगों को हम कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। और हम हमारा कायदा इस देश में चलेगा, इस देश में लोकशाही है, जनता का हुक्म हमेशा होता है, और वही हम लोग करेंगे। मोदी शाह होश में आओ, ये नारा देके मैं अपने 2 शब्द खत्म करती हूँ। धन्यवाद। आइन बाग के हमारी बहनें वहाँ दिल्ली में गरज रही है, और बॉम्बे के शहर में विद्या ताई जवान गरज रही है। दोनों का मकसद एक ही है, इस मुल्क से इस काले कानून को दूर करना।